वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ मिल्क फेशियल के बारे में, जिसे हर कोई अपने घर पे आसानी से कर सकता है। अगर आप इस फेशियल को करते हो तो आपके स्किन में डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम, अनइवन स्किन टोन, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम दूर होती है, क्योंकि मिल्क में बहुत सारे ऐसे इन्ग्रीडियंट्स होते हैं जो कि आपके स्किन को नेचुरल ग्लो देते हैं और आपके स्किन को एक्सफोलिएट करने में हेल्प करते हैं और स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाते हैं। इस फेशियल में कोई भी केमिकल नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये फेशियल ऑल स्किन टाइप्स है। अब इस फेशियल को करना कैसे है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गो टू द वीडियो। इस फेशियल के 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है क्लिंजिंग, सेकेंड स्टेप है स्क्रबिंग, थर्ड स्टेप है मसाजिंग एंड फोर्थ स्टेप है फेस पैक। तो स्टार्ट करते हैं क्लेंजिंग से। क्लेंजिंग के लिए चाहिए आपको रॉ मिल्क एंड लेमन जूस। सबसे पहले आप 2 टेबलस्पून रॉ मिल्क लीजिए एंड 1 टेबलस्पून आप लेमन जूस लीजिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इससे आपको अपने फेस को क्लेंज करना है। इसके लिए कॉटन बॉल को इस क्लेंजिंग मिल्क में डिप करिए और अपने पूरे फेस पे इवनली अप्लाई करिए। ये स्टेप आपके स्किन को डीपली क्लीन करता है। अगर आपके स्किन में डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है तो उसको प्रिवेंट करता है और आपके स्किन को इवन टोन बनाता है। इस क्लेंजिंग मिल्क को अपने पूरे फेस एंड नेक पे अप्लाई करिए और 2 से 3 मिनट तक मसाज करिए। मसाज बहुत स्लोली स्लोली करिएगा ताकि आपकी स्किन बिल्कुल रिलैक्स फील करें। मसाज को अपर डायरेक्शन में करिएगा ताकि आपकी स्किन बिल्कुल टाइट बनी रहे। अब इसे 10 मिनट तक छोड़ने के बाद नॉर्मल पानी से अपना फेस वॉश कर लीजिए एंड वेट ड्राई। सेकेंड स्टेप है स्क्रबिंग का। इसके लिए आपको चाहिए रॉ मिल्क और चावल का आटा। आप चावल के आटे की जगह ओटमील भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चावल का आटा यूज़ कर रही हूँ। आपको 1 चम्मच चावल का आटा लेना है और 2 चम्मच रॉ मिल्क लेना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ये इस तरीके का स्क्रबिंग पेस्ट तैयार हो जाएगा। इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है। इस स्टेप को करने से आपके स्किन में जो भी डेड स्किन सेल्स की प्रॉब्लम है, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है, वो दूर होती है। इस स्क्रब को अपने फेस एंड नेक पे इस तरीके से अप्लाई करिए, फिर 2 से 3 मिनट तक मसाज करिए और उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। थर्ड स्टेप है मसाजिंग का। इसके लिए चाहिए आपको मलाई और हल्दी। आपको बोल में 2 टेबलस्पून मलाई लेनी है और 1 पिंच ऑफ हल्दी लेनी है और उसको अच्छे से मिक्स करना है। लेकिन जिन लोगों को मलाई सूट नहीं करती है वो मलाई की जगह रॉ मिल्क ले सकते हैं। रॉ मिल्क में आपको हल्दी डाल के मिक्स करना है, लेकिन मैं यहाँ पर मलाई यूज़ कर रही हूँ। मलाई और हल्दी को इस तरीके से मिक्स करिए। आप इसमें थोड़ा सा गुलाब जल भी मिक्स कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हल्दी इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपके स्किन में ग्लो एंड लस्टर लाती हैं। इस क्रीम को अपने फेस पे इस तरीके से अप्लाई करिए। जब ये अप्लाई हो जाए उसके बाद स्लोली स्लोली अपने फेस पे मसाज करिए। ये मसाज आपको 10 से 15 मिनट तक करनी है और बहुत ही स्लोली स्लोली करनी है, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से करनी है। धीरे धीरे ये जो मलाई है वो आपके स्किन में अब्जॉर्ब होने लग जाएगी। जब ये मसाज क्रीम पूरी तरीके से अब्जॉर्ब हो जाए उसके बाद अपने फेस वाटर से वॉश करिएगा, देन पैड ड्राई। स्टेप यानी लास्ट स्टेप आपको यूज़ करना है फेस पैक। इसके लिए आपको चाहिए कर्ड, बेसन, रॉ मिल्क, हनी और गुलाब जल। सबसे पहले आप 1 टेबलस्पून कर्ड को बोल में डालिए। उसके बाद आपको लेना है 2 चम्मच बेसन, 1 चम्मच हनी, थोड़ा सा गुलाब जल और फिर इसको रॉ मिल्क की हेल्प से मिक्स करिए। जब वो इस तरीके से मिक्स हो जाए तब इसे अपने फेस पे अप्लाई करिए। बेसन आपकी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम दूर करता है। वो आपके स्किन की डर्ट को रिमूव करता है और साथ ही साथ आपकी स्किन में ब्लैमिशेस, पिंपल्स, डार्क स्किन, एक्ने और डल स्किन की प्रॉब्लम को दूर करता है और स्किन का सारा एक्सेस ऑयल हटाकर उसे स्मूथ एंड सफल स्किन बनाता है।
इस फेस पैक को अपने फेस से नेक पे अप्लाई करिए। मैंने यहाँ पे दही इसलिए लिया है क्योंकि दही में लैक्टिक एसिड होता है जो कि आपके स्किन में नेचुरल ग्रो देता है। इस फेस पैक को 20 मिनट छोड़ने के बाद ल्यूकॉम वाटर से वॉश कर लीजिए, देन पैट ड्राई। पैट ड्राई करने के बाद टोनर एंड क्रीम का यूज़ करिए। गाइज आप देख सकते हैं इस फेशियल के बाद इस तरीके का इफेक्ट आता है। ये थी मेरी आज की वीडियो अबाउट मिल्क फेशियल। आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करेगा। मैं जल्दी ही एक न्यू वीडियो के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।